क्या आपको अपने गिटार की स्ट्रिंग्स को हर रात को डीट्यून करना होता है कि नहीं? सिंपल आंसर, नहीं करना होता। प्लीज अंडरस्टैंड द गिटार एनाटॉमी। आपके जो गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, वो गिटार के नेक को इस डायरेक्शन में खींचती हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए नेक के अंदर देयर इज अ रॉड जिसको ट्रस्ट रॉड बोला जाता है। तो आपको अपने गिटार को हमेशा सेटअप करके रखना है। सेटअप का बेसिकली मतलब होता है आपके गिटार का जो एक्शन है, मतलब स्ट्रिंग्स और फ्रेटबोर्ड का डिस्टेंस है, इसको ऑप्टिमल रखना है। एंड जब अपने गिटार को आप स्टैंडर्ड ट्यून पे रखते हैं तो आपका जो ट्रस्ट रॉड है एंड आपकी स्ट्रिंग्स की टेंशन है वो एकदम बैलेंस्ड है। तो अब अगर आप अपनी स्ट्रिंग्स को हर रात को डीट्यून करेंगे तो स्ट्रिंग्स लूज हो रही है, इसके कारण आपकी जो नेक है वो पीछे की तरफ जाने लग जाएगी। बिलीव मी ऑन दिस वन, मेरे काफी सारे एकूस्टिक गिटार्स हैं जिनको मैंने दो दो तीन तीन साल तक प्ले नहीं किया है एंड आई हैव नेवर डीट्यून्ड देम एंड दे स्टिल आर एब्सोल्युटली फाइन। मैं सिर्फ जब भी उनको प्ले करना होता है आई जस्ट डू अ मैनुअल ट्रस्ट रॉड एडजस्टमेंट। हाँ, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं एंड अपना गिटार को आप चेक इन कर रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप गिटार की स्ट्रिंग्स को थोड़ा बहुत लूज कर दीजिएगा। बट अदर देन दैट, अगर आपका गिटार घर में ही पड़ा है, देन नेवर डीट्यून योर स्ट्रिंग्स। जस्ट इंश्योर कि आप अपने गिटार को एक सही गिटार स्टैंड पे रखें।